अच्छा और टेस्टी खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन एक बैंगन की सब्जी जब भी घर पर बनती है कुछ फैमिली मेंबर्स के फेस भी बन जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो इस बैंगन की सब्जी को कैसे अच्छा टेस्टी बनाएं, इसमें कौन से मसाले यूज़ करें ताकि ये सब्जी बहुत अच्छी लगे और जिन्हें नहीं पसंद है उनकी भी फेवरेट हो जाए, तो आज हम बनाते हैं मसाला बैंगन। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टेस्ट एंड डमी, आई एम शिवा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपी डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हमने 250 ग्राम 250 ग्राम बैंगन लिए, छोटे साइज़ के बैंगन। इससे तीन चार जगह हमने कट कर लेना है, ताकि एक तो मसाला अंदर तक चला जाएगा और कुछ ख़राब बैंगन होते हैं अंदर से वो भी पता चल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे हमने कौन सी लोहे की कढ़ाई निकाली, आजकल तो सारे लोग नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, बट इसमें बने हुए खाने का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हम इसे इंडिया से लेकर आए थे, और इसमें बस एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें घी या फिर ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, नहीं तो जो अच्छा सा टेस्ट आने वाला होता है सब्ज़ी का वो अच्छे की जगह कुछ अजीब सा ही टेस्ट आ जाता है। और हम इसमें सारे बैंगन रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे सारे बैंगन को, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे ताकि कुकिंग जल्दी से हो जाए। एक्चुअली रोस्टेड बैंगन की जो सब्ज़ी बनती है ना उसका टेस्ट सच में बहुत अलग होता है, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। पहले हमको भी सब्ज़ी बैंगन की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, जो बैंगन का भरता बनता है रोस्ट करके तो वही अच्छा लगता था, लेकिन अब ये सब्ज़ी भी अच्छी लगने लगी है। ये देखिए सारे बैंगन रोस्ट हो गए हैं, बढ़िया से पक गए हैं अंदर तक। एक बार स्पून से भी प्रेस करके देख लेना है कि अंदर तक पके हैं कि नहीं। और मेन जो इसका है मसाला, उसको मसाला रेडी करने के लिए हमने फ्रेश मसाले बिल्कुल भुने हैं तब उन्हें पीसा है। जब फ्रेश मसाले भून के पीसते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग और अच्छा सा आता है, ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच लगभग धनिया के बीज लिए, कोरिएंडर सीड्स, और 1 चम्मच सौंफ लेंगे, और उसके बाद 1/2 चम्मच हमने जीरा डाला है, शाही जीरा जो होता है, क्यूमिन सीड्स वो डालनी है। एक्चुअली रेशियो जो हम रखेंगे मसाले का वो यही रखेंगे, नहीं तो अगर हम जीरा ज़्यादा यूज़ कर देंगे जीरे में थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो ज़्यादा पता चलेगी सब्ज़ी में, तो रेशियो हम यही रखेंगे मसाले का। और एक हमने सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी यहाँ पर, सारी चीज़ें भूनने के बाद इनको हम पीस लेंगे। यहाँ पे ना मसाले थोड़े से मोटे ही पीसे हैं, अगर आपको मोटा मसाला नहीं पसंद आता है तो आप उसे बारीक महीन भी पीस सकते हैं। और बैंगन जब तक हल्की सी खटास नहीं होती उसमें उनका टेस्ट बहुत अच्छे से नहीं निकल कर आता, तो हमने खटाई तो नहीं यूज़ करी यहाँ पर, लेकिन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं यहाँ पर। और इसी टाइम हम नमक भी डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी। कुछ लोग जो मार्केट में जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं ताकि सब्ज़ी का रंग और अच्छा सा निकल कर आए, बट हमने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया मार्केट का, सारी चीज़ें पीसी हुई हैं, वैसे भी इसका रंग बहुत अच्छा सा आएगा सब्ज़ी का। देखिए हल्दी डाल दी और तब तक पकाएंगे, पानी बिल्कुल जो टमाटर का पानी है बिल्कुल जल जाए अच्छे तरीके से। आप चाहें तो गरम मसाला यूज़ कीजिए, हमने यहाँ पर फ्रेश ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है उसको पीसा है, वही वो हमने यहाँ पर डाला है, और पिसे हुए मसाले जो हमने डाले पीसे थे वो डाले हैं इसमें, और 1 चम्मच लगभग लहसुन का पेस्ट। और सारी चीज़ अच्छे से भुन जाएँ बिल्कुल, हमें लग रहा है मसाला थोड़ा सा कम है तो हमने सारा डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज नहीं यूज़ किया। प्याज यूज़ करने से क्या होता है, थोड़ा सा मीठापन जो होता है ना सब्ज़ी में वो बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्याज नहीं यूज़ किया है। और जो मसाले थोड़े से कड़े हैं तो उनको अच्छे से बिल्कुल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो हमने तो 1/2 कप बिल्कुल पानी डाला है। बैंगन में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 1/2 कप पानी। अब अच्छी तरीके से बिल्कुल इन्हें पका लेना है, पानी वानी सारी चीज़ें, उसके बाद में हम इनको इसमें रोस्टेड बैंगन डालेंगे, जो भुने हुए बैंगन थे हमारे वो डालने हैं।
इस तरह सारे बैंगन हम डाल देंगे भुने हुए। अब इसमें ढक के नहीं पकाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पकी हैं, बैंगन भी हमारे पहले से ही भुने हुए थे, मसाला भी बिल्कुल रेडी है। बस 15 मिनट के लिए इसी तरह हम चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें पका लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो बचा हुआ पानी है वो भी जल जाएगा और सारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से बैंगन के अंदर भी चला जाए और अच्छे से सब चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएंगी। बस हमारे बढ़िया टेस्टी मसाला बैंगन रेडी हो गए हैं। देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल पक गई हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स आप इस टाइप की जब नेक्स्ट टाइम जब आप बैंगन बनाएं तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा मसाला बैंगन। और जिनको नहीं पसंद है उनको भी पसंद आएगा, तो दाल चावल के साथ या फिर पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नेक्स्ट टाइम इन्हें ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।